हेलो दोस्तों, मैं कौस्तुभ आज एक ऐसे सवाल पे आपसे बात करने वाला हूँ जो सिर्फ मेरे ही दिमाग में नहीं, आपके भी दिमाग में है। When will coronavirus crisis end? ये डिसीज, ये पैंडेमिक, ये लॉकडाउन और उसके बाद ये अनसर्टेनिटी, ये सब कब खत्म होगा? इस सवाल का जवाब देखने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ जल्द से जल्द आपको वो मिल जाए। अब आते हैं कोरोना वायरस डिसीज पर। ये जो पैंडेमिक चल रहा है ये एक बुरे सपने जैसा बन चुका है। क्यों ये बुरे सपने जैसा लगता है? जब आप सुबह जागते हो तो सबसे पहले चीज आप न्यूज़पेपर या न्यूज देखो तो जिस तरह क्रिकेट का स्कोर देखा जाता है, जिस तरह स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव देखा जाता है, हम कोरोना वायरस का ग्राफ, उसके नंबर्स देखने लग जाते हैं। इससे एक इनसेंसिटिविटी समाज में बन चुकी है और दूसरा एक टच मी नॉट एटीट्यूड आया है। ये एटीट्यूड आया है उन वर्गों की तरफ, उन लोगों की तरफ जो गरीब है, जो पिछड़े वर्गों के हैं, और फिर ऐसे लोगों को ही समझा जाता है कि इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है और ये चीज को हम नॉर्मल मानने लग रहे हैं। तो ये गलत है। समाज में कोरोना वायरस का स्प्रेड ये हर किसी से हो सकता है। इसका किसी क्लास से, किसी एक वर्ग से कोई रिलेशन नहीं है। आज जो सिचुएशन में हम है इसमें सबको है ना, लॉकडाउन है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है, इस फ्रस्ट्रेशन का हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो ये जो सब सिचुएशन है इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है? और फिर ये जो सवाल हमने खड़ा किया कि ये सब कब खत्म होगा, ये अगर हमको देखना है तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस किस टाइप का डिसीज है। ये डिजास्टर जो है, ये बाकी डिजास्टर्स जिस तरह हम देखते हैं कि अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, या कोई साइक्लोन आ जाता है, ड्रॉट आता है, तो इससे ये कोरोना वायरस, ये डिजास्टर किस तरह अलग है, हमको ये समझना जरूरी है। ये बाकी डिजास्टर से सिमिलर भी है और डिफरेंट भी है। किस तरह? जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो ये कन्वेंशनल डिजास्टर नहीं है। ये ऐसा डिजास्टर है कि जो दिन ब दिन बढ़ रहा है। बाकी डिजास्टर्स होते हैं, जैसे अब कोई साइक्लोन आता है तो साइक्लोन आता है, डैमेज करता है और चला जाता है। फिर उसके बाद हमारा पूरा फोकस इस बात पे होता है कि इस साइक्लोन को किस तरह कंट्रोल किया, उसका जो डैमेज है किस तरह उसको ठीक से फिर से वापस नॉर्मल लाइफ किया जाए। लेकिन कोरोना वायरस में डैमेज तो हो चुका है, काफी डैमेज हो चुका है, लेकिन आज भी ये डिजास्टर हर पल बढ़ता जा रहा है। हमको हमारा नॉर्मल लाइफ भी डील करना है और उसके साथ ये जो डिजास्टर का डैमेज है उसको भी ठीक करना है, प्लस जो चल रहा डिजास्टर है उसको भी टैकल करना है। इसीलिए हम इस डिजास्टर का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरा उस कोरोना वायरस पे नहीं डाल सकते। अब सोचिए कि ये जो प्रॉब्लम आज है सोसाइटी में, जो डैमेज हो रहा है, इसका कॉज ये कोरोना वायरस है जो एक सिंपल फ्लू है, या हम खुद है? आप देखिए इस पिक्चर को, जहां जो चीज हमने करनी चाहिए वो अगर ना करें, हम आंखों पर पट्टी लगा के अगर इस डिजास्टर से डील करें तो हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वी शुड बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। हम प्रॉब्लम का पार्ट बन रहे हैं। अगर हम इस डिजास्टर को सही मायने में नहीं समझेंगे, इस डिसीज को सही मायने में नहीं समझेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम प्रॉब्लम का पार्ट बन के रह जाएंगे। आप अगर देखेंगे कि ये सवाल पूछा जाता है कि इज इट गोइंग टू एंड, तो ये सवाल ही गलत है। आप नंबर्स को देखिए, इंडिया में 10 लाख के ऊपर केसेस जाग चुके हैं और ये अभी भी पीक नहीं हुआ है। डेथ्स भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी अभी पीक नहीं आया है। तो ये जो सवाल है कि ये कब खत्म होगा, ये सवाल गलत है, क्योंकि ये खत्म पूरी तरह नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग अवे। आप रिसर्च और सर्वे के पेपर्स देखिए, और 2 महीने ऐसा कहा जाता है कि और 1 या 2 महीने लग सकते हैं इंडिया में ये खत्म, इसका पीक आने के लिए। इसके बाद ये तो 2 महीने लग सकते हैं अगर हम सब सही कर दे, तो अगर सही मायने में, सही तरीके से इसको अगर डील नहीं किया तो इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है पीक आने के लिए। तो ये डिजास्टर तो अगले साल तक चलने वाला है। इकोनॉमी पे जो डैमेज हुआ है ये और कई साल चलने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में ये सोचना कि ये कब खत्म होगा, ये सोच ही गलत हो जाएगी। हमें इसके साथ जीना होगा। वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। हमारा फोकस इस डिसीज को खत्म करना नहीं, इसको कंट्रोल में करना और हमारी लाइफ, हमारी इकोनॉमी वापस ट्रैक पे लाना, इस पे हमारा फोकस होना जरूरी है। आज अगर हम डेटा पे देखें, ग्लोबल पूरी दुनिया का डेटा और हमारे देश में जो भी डेटा अवेलेबल है,
उसको अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये डिजास्टर कैसा लगता है, कैसा फ्यूचर है। WHO कहता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, नियर फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है। ये डिसीज स्पेशली इंडिया में और ज्यादा बढ़ने वाला है। आज अगर आप नंबर्स देखो तो जो सिटीज थे ये काफी हद तक इसको कंट्रोल कर पाने की कोशिश कर रहे, तो पाने इसका कंट्रोल का हो रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अभी भी पीक बहुत जगह नहीं आया है, लेकिन एक नया ट्रेंड दिख रहा है। आप अगर गांव में जाएंगे, रूरल एरियाज में जाएंगे, जो पिछड़े स्टेट्स है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसमें इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो ये पीक अभी भी आया नहीं है। इंडिया में इसका सिचुएशन और भी सीरियस आगे हो सकता है। वायरस का अगर आप बिहेवियर देखें, इंडिया में ही नहीं बाहर भी, तो आपको पता चलेगा कि अभी भी हम और केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो नए नए रिकॉर्ड्स रोज हमको टीवी में दिख रहे हैं, तो ये होने वाला है। एक कंसेप्ट ये भी बुक कही जाती है कि हर्ड इम्यूनिटी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक तरह से हमने समझा ही नहीं। जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो 60-70% ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाना चाहिए। अब आप कोई भी इपिडेमिक की बात करें या पैंडेमिक की बात करें, तो पूरी देश का जो पूरा पॉपुलेशन होता है, ये पूरा पॉपुलेशन अफेक्ट कभी नहीं होता। 20-30% पॉपुलेशन ही जनरली अफेक्ट होता है, उसमें ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। अब आप 20-30% पॉपुलेशन की अगर बात करें, इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, इसका 30% भी कर लें तो 30 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं। 30 करोड़ केसेस, चलो इससे 1/3 कर देते हैं, फिर भी 10 करोड़ केसेस की हम बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस का प्रॉब्लम वो वायरस नहीं है, वो तो सिर्फ फ्लू वायरस है। इसका मोर्टेलिटी रेट 1-2% है। प्रॉब्लम है कि इसका स्केल, जो स्प्रेड है, वो बहुत फास्ट है। एक साथ इतने केसेस हॉस्पिटल में आ जाते हैं कि जो अवेलेबल फैसिलिटीज है, और हमारे यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज आप जानते हैं, इट्स अ ब्रोकन सिस्टम। हेल्थ फैसिलिटी में इतने पेशेंट्स आ जाते हैं कि फिर डेथ रेट बढ़ने लगता है। ये डेथ रेट 2% से 10% कहीं तक, कहीं इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। 10 करोड़ केसेस में अगर 2% to 10% का डेथ रेट हम देखें तो लाखों में केसेस जाएंगे, डेथ जाएंगे। तो ये बहुत सीरियस डिजास्टर की तरफ हम देख रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी इसका वैक्सीन डेवलप करना है और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट डेवलप करना है। जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक हम लॉकडाउन तो नहीं रख सकते, क्योंकि वैक्सीन आने के लिए और भी 3-4 महीने लग सकते हैं। इसीलिए हमारा फोकस नॉट ओनली गवर्नमेंट, प्राइवेट और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, हम सबका फोकस होना चाहिए एक इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप करना, एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट डेवलप करना, जिसकी वजह से इस डिसीज पे जो भी लोग सीरियस केसेस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो हमारे हॉस्पिटल बेड और वेंटिलेटर्स इतने होने चाहिए कि जो भी सीरियस केसेस हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको हम ठीक से डील कर पाए। जो केसेस कम सिम्टम वाले हैं या एसिम्टोमेटिक है, इनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह आइसोलेट होकर घर पर ही हो जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हमको पहले लोगों का इस प्रोसेस में पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, केस अगर है, सिम्टम्स अगर है, तो लोग सामने आने चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए, सही मायने में उनका इलाज होना चाहिए, कैटेगराइजेशन होना चाहिए, और जो सीरियस है उनको हॉस्पिटल में बेड और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजों पे हमको फोकस करना जरूरी है। एक होप हम ये रख सकते हैं कि ये वायरस म्यूटेट हो जाए और नेचुरली डिसीज करने की, सीरियस डिसीज करने की इसकी जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी कम हो जाए। लेकिन ये सिर्फ होप है, हुआ तो बहुत अच्छी बात। लॉकडाउन ये चमत्कार अब गवर्नमेंट ने इसके आगे नहीं करना चाहिए। 4 महीने अपनी इकोनॉमी बंद रखी, अब लोग अगर कोरोना वायरस से बच रहे हैं तो वो मरेंगे स्टार्वेशन से, भूखमरी से। लॉकडाउन ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इरिस्पॉन्सिबली हमने जिस तरह जैसे थे पहले वैसे ही बाहर सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो आपके समझ में आएगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। महात्मा गांधी कहते थे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी आउटसाइड। आज अगर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आज अगर हमको ये लग रहा है कि लाइफ नॉर्मल होनी चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आनी चाहिए, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत गवर्नमेंट से नहीं होगी, इसकी शुरुआत होगी हमसे, खुद से। इसका आगे रास्ता क्या है, आप देखिए कि इतना हमने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि कोरोना वायरस की जो लड़ाई है ये सिर्फ पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल्स, ये लोग ही कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। पुलिस वालों को पुलिसिंग छोड़ के ये हम करने लगा रहे हैं।
जो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लोगों ने गवर्नमेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना जरूरी था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे भी हम लोग रूल्स अगर नहीं फॉलो करेंगे तो पुलिस को यही करना पड़ेगा। इसीलिए ये पुलिस वाला, आप देखिए, पुलिसिंग, क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के ये कोरोना वायरस का मास्क लेके घूम रहा है, ये जो कोरोना वायरस का सिंबल है उसको लेके घूम रहा है, पब्लिक एजुकेशन। लेकिन ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो ये जरूरी है अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको, मुझे, हर किसी को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। आज गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी, गवर्नमेंट अब इसके आगे बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। अब समझिए, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, इतने हाई अलर्ट पे इतने देर के लिए कभी काम नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट एक्शन में आता है और फिर से जैसा था, जैसे थे वैसा बन जाता है। लेकिन ये एक ऐसा डिजास्टर, जैसे मैंने कहा कि ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो आपने देखा बेंगलोर में भी बहुत अच्छा किया, पहले बैंगलोर मॉडल करके फेमस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आज सिचुएशन देखिए, गवर्नमेंट के हाथ के बाहर चीजें जा रही है। जब तक लोग खुद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो एक गांव है तो पूरे गांव ने साथ में आना है। कोई भी बाहर से आता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका टेस्ट, उसका गवर्नमेंट को रिपोर्ट, उसका आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये गवर्नमेंट की नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है। तो हम अगर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डालेंगे तो गवर्नमेंट फटीग में जा चुका है, थक गया है। अब ये जिम्मेदारी लोगों को उठानी है वैक्सीन आने तक, तभी चीजें नॉर्मल होंगी, अदरवाइज ऐसे ही लॉकडाउन में अननेसेसरीली हमको रहना पड़ेगा। और फिर ये जो इकोनॉमिक इंजन है जो बहुत जरूरी है, लोगों को अगर गरीबी से, भूखमरी से बाहर निकलना है तो हमें इकोनॉमी शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी है। और COVID-19 के लिए हमको एक एक्सपर्ट टीम बना के एक सिस्टम डेवलप करना है जो पूरी तरह उसके पीछे रहे, क्योंकि आप देखिए, पुलिसिंग, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इनको बाकी जिम्मेदारियां भी है। क्राइम्स अभी भी सोसाइटी में हो रहे हैं, जेंडर वायलेंस अभी भी सोसाइटी में हो रहा है, फ्लड आ रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये भी डिजास्टर्स है जो इनको गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना है। तो कोविड के लिए एक डेडिकेटेड टीम बना के और लोगों के साथ गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेट्स को काम करना पड़ेगा। इसके साथ हमको एक चीज और भी समझनी जरूरी है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं या डिजास्टर की बात करते हैं, तो सिर्फ डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये एजुकेशन, शिक्षा का भी भाग है। हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह हम खुद को और दूसरों को, आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। आज हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हम गलवान वैली के बारे में इतने चिंतित होते हैं कि 20 सोल्जर्स का डेथ हुआ, बुरा हुआ, लेकिन आप सोचिए, हेल्थ, ये जिस तरह इंटरनल सिक्योरिटी, हम बॉर्डर पे सिक्योरिटी की बात करते हैं, चाइना ने इस वायरस के द्वारा कितने लोगों का डेथ लिया, नॉट ओनली इंडिया में, पूरी दुनिया में कितने लोग मरे हैं, कितना डैमेज हुआ है, कितना इकोनॉमी को डैमेज हुआ है। तो हेल्थ, ये सिर्फ डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स का डोमेन नहीं है, हेल्थ नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ये जब हम समझ जाएंगे तब हमको समझेगा कि हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना कितना जरूरी है। हेल्थ ये जिम्मेदारी फिर से सिर्फ डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स की नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें शिक्षा और कम्युनिटी सब साथ में आके जब हम इस कोरोना वायरस को डील करेंगे तो गवर्नमेंट का प्रेशर कम होगा और हमारा इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आएगा। आखिर में यही कह के मैं इस सेशन को खत्म कर सकता हूं कि अंधियारों को छोड़ के पीछे नया सवेरा गढ़ना होगा, मुश्किल में पतवार भले हो फिर भी आगे बढ़ना होगा, पतझड़ के पीछे सावन है, दुख के पीछे सुख भी होगा, माना रात बहुत काली है उसके बाद उजाला होगा। अभिषेक सहज, इनकी ये जो कविता है, इन कविता पे, इसमें जैसे कहा है कि ये खुद पे आप इसकी जिम्मेदारी ले लें, पॉजिटिव रहे, इस नेगेटिविटी डिजास्टर से बाहर आए, तभी हम हेल्दी और सेफ खुद और बाकी लोगों को बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।